अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सैड पॉकेट तैयार करना और लगाना उसको। ये देखें, 21 इंच की है, वैसे जो है ना 20 इंच बाई 7 इंच की पॉकेट होती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें गाइस। ये देखें, यहाँ से ऐसे ज़रा सा फोल्ड करके ना फिर इसको सिलाई लगानी है। इससे ये होगा कि ये धागे वगैरह जो होते हैं ना, जो दर्जी है वो तो लगाते ही नहीं है इस तरह की सिलाई, तो सीधे ही बस जाने देते हैं। तो कुछ लोग जो ज़रूर अच्छा काम करते हैं, इस तरह करके फोल्ड करके उसको सिलाई लगा के फिर पॉकेट तैयार करते हैं। ये पॉकेट मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये इस्त्री के बगैर बनने वाली पॉकेट है। कुछ लोग इस्त्री के साथ बनाते हैं, उससे बिजली भी ज़ाया होती है इस्त्री के ऊपर यार, और टाइम भी ज़ाया होता है। ये टाइम की भी बचत है और इस्त्री से छुटकारा भी है। आप इजीली जो है ना मशीन को बैठे बैठे ही पॉकेट तैयार कर लेते हैं, आपको उठना नहीं पड़ता अपने ठीके से। ये निशान जो है, जितना पॉकेट का आपका मुंह बना हुआ है उससे आधी इंच ज़्यादा लगाना है। मैंने अभी 7.5 पे लगाया है। अगर 7 इंच मुंह होगा तो 7.5 पे लगेगा। जितना भी मुंह है आपने कमीज़ का पहले चेक कर लेना है। अक्सर मास्टर वैसे इधर ज़्यादातर तो 7 इंच ही कटता है, 7.25, तो अक्सर जो है 7.5 भी काटते हैं मुंह। उसके बाद गाइज इसको सीधा कर लेना है और ऊपर से जो है ना सिलाई लगाना शुरू करनी है। इधर से दरमियान से नहीं, कुछ लोग दरमियान से लगाते हैं, यहाँ से नहीं लगाते। उससे ये होता है कि जेब मजबूत, ये जेब मजबूत हो जाती है। सिलाई को टांके को पक्का करें और यहाँ से शुरू से उठाएं, तो उसके बाद ऐसे हाथ से हल्का गोल करते जाएँ। ये गोल जेब है, अक्सर लोग वो नोक वाली लगाते हैं, लेकिन वो जो है रेडीमेड स्टाइल है। वो रेडीमेड स्टाइल होता है, जो जेनवन जो तरीकाकार है ना, मास्टरी तरीकाकार है जो सही, वो यही है। कुछ दर्जियों को ये गोल जेब लगाना जो है ना बहुत मुश्किल लगती है, हालांकि ये उससे आसान है मेरे ख्याल में। हमने तो जब काम सीखा तब भी यही जेब जो है ना बनाना सीखी है। तमाम देखने वाले भाइयों से यही गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट अपनी राय से ज़रूर आगा करें। मैं अगर आपके पास इससे अच्छा कोई तरीकाकार मौजूद है, आप हमें वीडियो में सेंड करें, हम यूट्यूब में ज़रूर चलाएंगे उसको। ये जी पॉकेट जो है ना आपकी दोनों तैयार हो गई। अब लगाने की बारी है जी। एक पॉकेट मैंने पहले ही लगा लिया, इसलिए कि आपका जो है ना वीडियो लंबी ना हो, आपका टाइम ना ज़्यादा ज़ाया हो। ये दूसरी साइड की पॉकेट है, एक मैंने लगा ली है। सबसे पहले ज़रा मुँह को इस तरह जोड़ लेना, तो जो तजर्बाकार है ज़्यादा वो तो जोड़ते नहीं है, लेकिन जोड़ लेना ज़्यादा बेहतर होता है। इससे ये होगा कि बाद में जो है ना सफाई आएगी जेब की ना, बाइक से सही आपस में जुड़ा हुआ मुँह होगा, गैप नहीं कोई देगा। ये टुका लगा लेना इधर से, फिर इस टुके को दरमियान में रखें बिल्कुल, और ऑटोमेटिकली आपकी पॉकेट जो है बिल्कुल दरमियान में जो है ना दोनों साइडों से बराबर आएगी। उसके बाद इसको सिलाई मुकम्मल करें।
वो जो वायर हमने उसका वो बंद किया था ढंग लगा के कच्चा काम का वो खोल लेना ही है। यह पॉकेट देखिए बिल्कुल साफ सुथरी लग गई है, एक जैसी है दोनों साइडों से। बहुत शुक्रिया वीडियो मुकम्मल देखने का, अल्लाह हाफिज़।